बहुत दिनों से ये सुनने में आ रहा था कि एप्पल कोई एआई पे काम कर रहा है एंड बहुत सारे रिपोर्ट तो ये भी बोल रहे थे कि एप्पल अपना एक अलग ही एआई लॉन्च करने वाला है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो पहले ही अपने एआई को लॉन्च कर चुकी हैं, तो अब सिर्फ एप्पल के एआई का इंतजार था। लेकिन क्या सच में एप्पल एआई लॉन्च करने वाला है? तो हाँ गाइस, दिस रूमर्स आर ट्रू। तो एप्पल फाइनली अपना चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला है एंड उसका नाम कुछ देर में आपको पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, एप्पल अपने आप में एक बीस्ट कंपनी है एंड एप्पल का जो चैट जीपीटी होने वाला है वो भी ज्यादा बीस्ट होगा, तो आप उसका बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दें। हे एवरीवन, दिस इज न्यूट्रलाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की अपकमिंग एआई के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता चल ही चुका है कि एप्पल का चैट जीपीटी लॉन्च होने वाला है जिसका नाम एप्पल जीपीटी होगा। तो एप्पल का एप्पल जीपीटी लॉन्च होते ही डायरेक्ट गूगल एंड ओपन एआई का कॉम्पिटिटर बन जाएगा, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि एप्पल कोई हेरे गेरे चीज तो लॉन्च करता नहीं है और डायरेक्ट अपना ब्रह्मास्त्र ही लॉन्च करता है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो देखो, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी काम करता है, सेम उसी टाइप से एप्पल का एप्पल जीपीटी काम करेगा। बेसिकली ये टेक्सचुअल आर्किटेक्चर पे काम करेगा। आप इसे टाइप करके क्वेश्चन पूछोगे, ये आपको टाइप करके आंसर देगा। तो अभी आपके मन में क्वेरी आया होगा, इसमें और गूगल में अंतर क्या रह जाएगा? तो देखो, गूगल प्रोफेशनल वे में आंसर देता है, मतलब वो लिंक्स देता है, फोटोज एंड वीडियोस को रेफर करता है। बट एप्पल जीपीटी ऐसा नहीं करने वाला, वो आंसर डायरेक्ट आपके दोस्त के देगा, मतलब बिना कोई लिंक्स दिए, फोटोज वीडियोस को रेफर किए आपके नीड्स को टोटली सेटिस्फाई कर देगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही। अब ये स्लाइटली अपग्रेडेबल फॉर्मेट में भी आ सकता है क्योंकि ये एप्पल का है और एप्पल अपने इनोवेशन के लिए ही जाना जाता है। अभी इसके रिलेटेड इतना ही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अभी जस्ट ये रिवील हुआ है कि एप्पल जीपीटी लॉन्च होने वाला है। एप्पल जीपीटी आने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का क्या सीन होगा? तो नो डाउट एप्पल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को पहला प्रेफरेंस देता है। एप्पल प्रोडक्ट्स को बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के लिए ही यूज करते हैं, तो आईफोन या फिर और भी कोई एप्पल के प्रोडक्ट में प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ी नहीं होता। तो आप बिल्कुल रिलीफ रहें कि आपके डाटा को कुछ होने वाला है क्योंकि आपका डाटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नो डाउट एप्पल की इकोसिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड एप्पल जीपीटी आने के बाद एप्पल का इकोसिस्टम और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, मतलब एप्पल का इकोसिस्टम और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी जस्ट ये अनाउंसमेंट आई है कि एप्पल जीपीटी लॉन्च होने वाला है, तो इसी वजह से हमें अभी तक सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है। टाइम आफ्टर टाइम एप्पल इसके रिलेटेड हिंट्स तो दे ही देगा। बाय द वे, अगर हम इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये कुछ एस्टिमेटेड 2024 में लॉन्च होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड और भी ऐसे टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।